उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आज पहुंचे हैं बृहद रोजगार उत्सव के मेले में, हमारे साथ मौजूद है। कैसे देख रहे हैं सर आज रोजगार मेले को? देखिए, हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के द्वारा जो बृहद रोजगार मेला ITI कैंपस में अलीगंज में आज आयोजित है, देश भर की बड़ी बड़ी नामचीज कंपनियां जिनकी संख्या 107 है वो यहाँ पर आई हुई हैं। क्षेत्र के सभी युवाओं को, बेटियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जैसी जिनकी एलिजिबिलिटी है, जैसी जिनकी योग्यता है, उनका ऑनलाइन मौके पर आकर के उनका इंटरव्यू लेकर के तत्काल उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किया जाता है। इस प्रकार के आयोजन प्रति माह प्रत्येक ITI हमारे लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं और मंडल स्तर पर 3 माह के बाद लगता है और लगातार इस प्रकार के आयोजन से युवाओं को रोजगार के अवसर। अभी जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट हो रही है उसमें भी बहुत अपार संभावनाएं युवाओं को रोजगार मिलने की है। जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ग्रुप्स यहाँ पर आएंगे तो कोई बाहर से अगर मान लो इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पर आती है तो कंपनी बाहर से तो मैन पावर लेकर नहीं आएगी, तो ऐसे सब युवाओं को हम स्किल्ड करके उनकी जरूरत के मुताबिक जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वैसे युवाओं को रोजगार से सज्जित करा करके, उनको प्रशिक्षित करा करके उनको रोजगार दिलाने का काम। कितने रोजगार दिए जाएंगे, मेला कब तक चलेगा सर ये? जी मेला तो आज का है, आज का लगातार मेला है, इस प्रकार के मेले प्रति माह यहाँ पर आयोजित हो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हो रहा है, लग रहा है कि इसका सरकार को कुछ फायदा मिल रहा है क्योंकि विपक्ष तो बहुत हमले कर रहा है। सरकार को लाभ का विषय नहीं, सरकार अपने लाभ के लिए कुछ नहीं करती, समाज के लाभ के लिए, जनता के लाभ के लिए, प्रदेश और देश के हित के लिए सरकार लगातार काम करती है। तो इन्वेस्ट होगा तो अनेक प्रकार के रोजगार होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, काम करने का अवसर मिलेंगे और हमारी GDP बढ़ेगी, उसके साथ साथ युवाओं को अनेक प्रकार के काम करने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि आज के मेले से तमाम लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।